हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आप सभी लोगों का स्ट्रीट जीरो चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी आपके लिए मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर सीरीज लेकर आऊंगा। सो एज यू कैन सी, आई एम बैक हेयर विद ऑसम लेक्चर सीरीज ऑन द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लेक्चर सीरीज में मैं टोटल 9 लेक्चर अपलोड करूंगा। ये उनमें से सबसे पहला लेक्चर है। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में। ये काफ़ी जनरल चैप्टर भी है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो स्टार्टिंग में प्री हिस्ट्री पीरियड में एमपी से रिलेटेड जो भी डायमेंशन है, जो हमारे प्री के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लस और इसमें से आप मेन्स में भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीरीज़ है, लेक्चर सीरीज़ है, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्लस मेंस में इसमें से जैसे आपने अगर पुराने पेपरों की एनालिसिस की होगी तो आपको पता चला होगा कि डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अशोका, मतलब किसी भी पर्सनैलिटी के ऊपर आ सकता है, किसी किंग के ऊपर आ सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए। ये है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस, और इस सिलेबस में से अभी हम लोग ये वाला पोर्शन टारगेट कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक बार आपको व्यू ओवरव्यू बता देता हूं कि इससे पहले मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वेरियस एक्ट्स प्लस एमपी एट अ ग्लांस वाली लेक्चर सीरीज अपलोड कर चुका हूं, और जो आर्ट एंड कल्चर वाली लेक्चर सीरीज है ये भी मेरी अभी रिसेंटली ही कंप्लीट हुई है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप इन लेक्चर सीरीज को देख लीजिए। आज के लेक्चर में जो एंशियंट हिस्ट्री के पोर्शन में से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम से रिलेटेड डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो हिस्टोरिक पीरियड से डिफरेंट डायमेंशन हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो हिस्ट्री मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री है प्लस मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री है, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री में कि हिस्ट्री होता क्या है, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। और जो एमपी की हिस्ट्री है ये लाइक एनी अदर हिस्ट्री, ये भी तीन पोर्शंस में डिवाइड है। एक है प्री हिस्ट्री, दूसरी है प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरी है हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है तो मैं आपको इसका डिफरेंस बताना चाहूँगा। देखिए, प्री हिस्ट्री का तो मतलब ये होता है वो हिस्ट्री जिसका कोई हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, मतलब क्यों नहीं है इन चीज़ों का रिटर्न रिकॉर्ड हमारे पास, क्योंकि उस टाइम पे ना ही लैंग्वेज डेवलप हुई थी और ना ही कोई सिंबल्स यूज़ होते थे। तो प्री हिस्ट्री में आते हैं हमारे स्टोन एज की हिस्ट्री प्लस चालकोलिथिक एज की हिस्ट्री। ठीक है, इसमें जो हमें स्टोन एज या चालकोलिथिक एज के बारे में पता चलता है, वो हमें पता चलता है जब हम आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस करते हैं, उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एडिक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं, पेंटिंग्स मिलती हैं, रॉक पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है पर उसकी लैंग्वेज अभी तक डेसिफर नहीं हुई है। लैंग्वेज डेसिफर नहीं हुई है क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उस टाइम की जो लैंग्वेज थी वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या होता था कि जो वो पिक्चर्स का यूज करते थे किसी भी चीज को, किसी भी कम्युनिकेशन के लिए, किसी भी चीज एक्सप्रेशंस के लिए। पर अब ये जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, इसमें 400 से ज्यादा सिंबल्स डिस्कवर कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसको समझ नहीं पाए। डेसिफर का मतलब होता है समझ पाना। ठीक है, तो आज तक समझ नहीं पाए। तो इसमें हम लोग जो प्रोटो हिस्ट्री है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं, और इसके बाद आता है हिस्टोरिकल पीरियड जिसके पास हमारे पास रिटर्न अकाउंट भी है प्लस जो लैंग्वेज हमें समझ में भी आती है। तो यानी जो वैदिक एज के बाद वाला जो पीरियड है उसमें हम लोग हिस्टोरिकल पीरियड की बात करेंगे। तो एमपी की हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बोला जाता है वो क्यों बोला जाता है। तो मध्य का मतलब होता है सेंट्रल, जैसे कि आपको पता होगा ये इंडिया के सेंटर में पड़ता है एमपी, तो इसीलिए बोला जाता है सेंट्रल। प्लस जो रीजन का मतलब होता है, प्रदेश का मतलब होता है, वो होता है रीजन। ठीक है, तो सेंट्रल रीजन है इसीलिए इसको हिंदी में मध्य प्रदेश बोला जाता है। जो मध्य प्रदेश था दोस्तों वो गोंडवानालैंड का पार्ट था। अभी गोंडवानालैंड क्या है, तो जो प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था, एक बहुत बड़ा, मतलब जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो 7 कॉन्टिनेंट है, तो पहले ऐसे ही 7 कॉन्टिनेंट नहीं थे, पहले एक पूरा एक बहुत बड़ा पार्ट था जिसको हम लोग बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे, पेंजिया। ठीक है, आप ये अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो ये जो पेंजिया होता है, ये एक सबसे बड़ा मतलब लैंड मास था वो था पेंजिया, और एक बहुत बड़ा सी था उसका नाम था पेंथलासा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जो पेंजिया है वो दो पार्ट में टूट गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है लॉरेसिया और दूसरा है गोंडवानालैंड। ठीक है, फिर उसके बाद
फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद स्पेशली जो ट्रायसिक एरिया एरा था उसमें क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड वाला पोर्शन था ये भी कुछ और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में टूट गया, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिया, तो जब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड तो उसी बाय डिफॉल्ट यानी जो एमपी है वो पार्ट हो जाता है गोंडवाना लैंड का। और दूसरा एक और लॉजिक दिया जाता है कि जो गोंड्स गोंड्स रहते हैं, जो ट्राइब है गोंड्स, उसका नाम भी इसी लॉजिक पे पड़ा गया है क्योंकि इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो एमपी की हिस्ट्री है प्री हिस्टोरिक टाइम की। प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में मैंने आपको बताया था जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, लेकिन डिफरेंट साइंस के द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा, टूल्स के द्वारा हमें उसके बारे में पता चलता है। तो जो एमपी की हिस्ट्री है वो भी उसमें भी मतलब कुछ ऐसे डायमेंशन हैं जिसमें आप प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट को देख सकते हो। ठीक है, ये जो प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट का मतलब मैं बता देता हूँ कि उस टाइम पर जो लोग वहाँ रहते थे, जो एक तरीके से बस्तियाँ थी उस टाइम की, वो आज के टाइम पर भी प्रिजर्व करके रखी गई हुई है। ठीक है, ये जो साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, एक तो नर्मदा वैली के आसपास, चंबल वैली के आसपास, और दूसरी और एक और जगह वो है बेतवा नदी के आसपास। ठीक है, अगर एक बेस्ट एग्जांपल की बात की जाए तो वो है भीमबेटका केव्स। अगर आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा भीमबेटका केव्स कहाँ पे हैं। तो जिनको भी ये पता है कि भीमबेटका केव्स कहाँ है तो अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ आप ये लेक्चर जो सीरीज़ है जो जिस ऑर्डर में मैं अपलोड कर रहा हूँ प्लीज़ आप उन्हें उसी ऑर्डर में देखिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो प्री हिस्टोरिक टाइम में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे सेटलमेंट्स एमपी में भी पाए जाते हैं। ये जो प्री हिस्टोरिक टाइम का टाइम पीरियड है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले वो तीन टाइम पीरियड्स कौन से हैं, मतलब एक तो हो जाता है आपका स्टोन एज वाला पीरियड आ जाता है प्री हिस्टोरिक टाइम में, उसके बाद जो स्टोन एज खत्म होती है फिर हो जाता है आपका चालकोलिथिक एज। अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में ये चालकोलिथिक एज वगैरह क्या होता है, और फिर आ जाता है आपका प्री वैदिक टाइम पीरियड। ठीक है, अब ये जो स्टोन एज है ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है। वो तीन पार्ट कौन कौन से है? एक है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा है आपका मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा है आपका नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक पीरियड की। जो पैलियोलिथिक पीरियड के लोग बाग थे वो हंटर्स और फूड गैदरर्स कहलाते थे। इसका क्या मतलब है, हंटर का मतलब कि उस टाइम पे कोई एग्रीकल्चर वगैरह तो नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, जो एनिमल्स वगैरह होते थे उनको ही हंट करके खाते थे। तो आप इस फोटो के थ्रू याद रख सकते हैं कि जो पैलियोलिथिक एज एरा के लोग थे वो हंटर्स थे प्लस वो फूड गैदरर्स थे। फूड गैदरर्स का क्या मतलब है कि कहीं पे फल वगैरह लग रहे होंगे तो उनको तोड़ के खाते थे। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि ये जो पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है वो क्या है, टेन थाउजेंड बीसी तक। ठीक है, ये पैलियोलिथिक का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो 2.5 लाख से 4000 BC है वो टाइम पीरियड है पूरे स्टोन एज का, मतलब इंक्लूडिंग मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ठीक है, तो पहला फैक्ट आपको टाइम पीरियड याद रखना है, दूसरा फैक्ट कि दे वर नोन एज हंटर एंड फूड गैदरर्स, एंड थर्ड जो फैक्ट आपको याद रखना है, दे वर ऑल्सो नोन एज नोमैडिक पीपल। नोमैडिक पीपल का क्या मतलब होता है, नोमैडिक का मतलब होता है जो लोग, यानी एक तरीके से अगर हिंदी में बोला जाए बंजारे लोग, जो घूमते रहते हैं। ठीक है ना, सीजन टू सीजन, मान लो अगर हिमालय रीजन में अभी विंटर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो वो लोग साउथ की तरफ आ जाते थे, फिर उसके बाद क्या होता था साउथ, फिर जब समर्स में गर्मी पड़ती थी तो फिर वो दोबारा से हिमालय रीजन्स में चले जाएंगे। तो इस टाइप के लोगों को बोलते हैं नोमैडिक पीपल। ठीक है, जो सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल के बेसिस पे घूमते रहते थे। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जो पैलियोलिथिक एज के पीपल जो थे, लोग थे, वो बैंड सोसाइटीज़ के फॉर्म में रहते थे। बैंड सोसाइटीज़ का मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप के फॉर्म में रहते थे जिसमें 100 लोगों से कम होते थे, मतलब एक बैंड होता है उस बैंड में 100 लोगों से कम ही लोग होते थे, सो दैट इज बैंड सोसाइटी। अच्छा, और एक इसके अलावा अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से किस टाइप के टूल्स यूज होते थे, अच्छा एक और फैक्ट मैं आपको बताना भूल गया, वो क्या है कि पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पैलियो का मतलब होता है अर्ली और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो यानी अर्ली स्टोन एज। ठीक है, और जो पैलियोलिथिक एज के टाइम पे जो टूल्स यूज होते थे उनके नाम है कोर, फ्लेक और फ्लिंट, मतलब ये टाइप है, एक्चुअली ये टूल के नाम नहीं है, ये टाइप है। मतलब कुछ होते थे कोर टाइप के टूल्स, कुछ होते थे फ्लैक टाइप के, और कुछ होते थे फ्लिंट टाइप के। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे मैंने पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किया है कि जो स्टोन एज है वो तीन पीरियड में डिवाइडेड है। वन इज पैलियोलिथिक, देन इट इज मेसोलिथिक, एंड दिस इज थर्ड वन इज नियोलिथिक। आप ये यहाँ पे पेंटिंग के थ्रू भी बताया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये मैंने टाइम पीरियड जो क्रोनोलॉजिकली ये कब कब लाई करते हैं, तो आप यहाँ पे पेंटिंग के थ्रू देख ये डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि किस ऑर्डर में ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो पैलियोलिथिक एज के बारे में है वो ये है कि पैलियोलिथिक एज को भी तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड इज मिडिल पैलियोलिथिक टूल्स, एंड थर्ड वन इज अपर पैलियोलिथिक।
ठीक है, मतलब ये कैसे पता चला कि ये तीन फेजेस में डिवाइड है, डिपेंडिंग अपॉन दी टूल्स, उस टाइम पे कैसे कैसे टूल्स मिलते थे उस बेसिस पे पैलियोलिथिक जो एरा है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, लोअर, मिडिल एंड अपर। उसके अलावा ये कोर और जो मैंने अभी आपको बताया कि किस टाइप के टूल्स यूज होते थे, कोर और फ्लैग टाइप के यूज होते थे। तो कोर होता है, अगर वो लोग मतलब ये पत्थर के बने हुए टूल्स होते थे तो वो क्या करते थे, एक बड़ा सा स्टोन लेंगे उसको तोड़ देते थे, जब वो उसे तोड़ेंगे तो दो डिफरेंट पार्ट बनते हैं, एक बड़ा सा और एक छोटा सा। जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं कोर और जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्स, ठीक है। अगर कोर टूल्स के एग्जाम्पल पूछे जाए आपसे तो जैसे एक है हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, दूसरा है फ्लेक टूल्स जो मैंने बताए उनके एग्जाम्पल हैं ब्लेड्स, पॉइंट, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। यहाँ पे आप ये इस पिक्चर में इनको देख सकते हैं, ठीक है, कि स्क्रैपर्स क्या होते हैं, कटिंग टूल क्या होते हैं, ठीक है, हैमर हेड्स क्या होते हैं। अच्छा, अब अगर एक और बात ये देखी जाए कि ये एमपी में पैलियोलिथिक एज के कौन से सेटलमेंट हैं या कहाँ पे मिलते हैं, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखना होगा कि एमपी में जो एविडेंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं, एक तो रिवर वैलीज ऑफ नर्मदा, चंबल, सोनार, पार्वती, बेतवा, हिरन एंड बेनगंगा, ठीक है। तो प्लीज आप इसको याद रखिए। अब देखिए एग्जाम में मेंस में इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में डायरेक्टली वो आपसे पूछ लेंगे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैलियोलिथिक एज रिलेटेड इन रिलेशन टू दी मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर आपसे वो तीन नंबर का ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपको एटलीस्ट उसमें चार से पांच पॉइंट लिखने हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ किस ऑर्डर में आप वहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। एक तो सबसे पहले आप उसमें टाइम पीरियड बताएंगे, सेकंड आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे लोगों की, तीसरी आप वहाँ पे सोसाइटी के बारे में बताएंगे कि उधर की उस टाइम की सोसाइटी कैसी होती थी, चौथी आप वहाँ पे टूल्स के बारे में बताएंगे। देखो टूल्स के बारे में बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस एज के बारे में हमें ज़्यादातर टूल्स और पेंटिंग के द्वारा ही पता चलता है। और चौथी चीज, पांचवा पॉइंट जो आप बताएंगे वो बताएंगे कि इसकी मेन साइट्स कहाँ है एमपी में, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने जो पैलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं पूरे इंडिया में वो उसका पिक्चर यूज किया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल लिखेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर स्कोर करने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एमपी में ये आपको मैंने कल्चर में पढ़ाया था ईरान, फिर ये नगडा भी एमपी में ही पड़ता है, उसके अलावा आदमगढ़ एमपी में पड़ता है, ठीक है। और ये देखिए आप इन्हीं साइट्स को मेसोलिथिक में भी पढ़ेंगे, पैलियोलिथिक में भी तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं आपको, प्लस क्या कहते हैं नियोलिथिक में भी पढ़ेंगे, तो आप ये मत सोचना कि ये साइट कौन सी है। देखिए एक जगह पे अलग अलग एरा पे लोग रह सकते हैं, राइट। जैसे दिल्ली में आप देखें तो दिल्ली सल्तनत भी थी, फिर उसके बाद मौर्यन पीरियड भी आ गया, फिर मराठास भी आ गया, फिर इंग्लिश भी आ गए, तो एक ही जगह पे अलग अलग पीरियड में अलग अलग लोग आ सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो साइट्स हैं वहाँ पे पैलियोलिथिक के भी टूल्स मिलते हैं, फिर बाद में मेसोलिथिक के भी मिलेंगे और फिर नियोलिथिक के, तो कंफ्यूज मत होइए। चलिए आगे चलते हैं। मेसोलिथिक एज, ये मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 10,000 से लेके 6,000 बीसी तक, ठीक है, कितने 10,000 से 6,000 बीसी तक, प्लीज ये टाइम पीरियड याद रखना। सेकंड थिंग, जो इस टाइम के लोग होते थे उनको बोलते थे हंटर्स एंड हर्डर्स, मतलब ये पहले वाले कौन से थे, वो थे हंटर एंड फूड गैदरर्स, ये है हंटर एंड हर्डर्स। हंटर का मतलब अभी भी ये लोग जानवरों को मार के ही खाते थे, प्लस जो एक और काम करते थे, अब उनको ये समझ में आ गया था कि अगर वो एक ही बार में सारी मुर्गियां नहीं खाएंगे तो वो बाद में भी उनको खा सकते हैं, तो एक तरीके से हर्डिंग करना मतलब कि रियरिंग वगैरह के लिए या फिर आगे फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। अब ये जो मेसोलिथिक है इसका मतलब क्या होता है, तो मेसो का मतलब होता है मिडिल और लिथिक का होता है स्टोन, तो ये मिडिल स्टोन एज के नाम से जानी जाती है। इस एज को ट्रांजिशन एज भी बोलते हैं, मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि इससे पहले पैलियोलिथिक एज बताइए और बाद में नियोलिथिक एज बताऊंगा, तो ये इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें लाई करता था ये वाला एरा, और इसका टाइम पीरियड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 10,000 से 6,000। 10,000 से पहले वाला एज कौन सा है, पैलियोलिथिक, याद रखना, और इस 6,000 के बाद वाला कौन सा जो एरा आएगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका नियोलिथिक वाला, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपको याद रखना है। इस टाइम पे जो टूल यूज होते थे उनको बोलते थे माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ, और कंपैरेटिवली याद रखिए पैलियोलिथिक में मैंने आपको क्या बताया, कोर, कोर एंड फ्लिंट। अच्छा, जो माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। माइक्रो का मतलब होता है मिनी, छोटे, और लिथ का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो छोटे स्टोन वाले जो टूल्स यूज होने लगे थे इस टाइम पे, ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है मिनिएचर, मिनिएचर वर्जन ऑफ टूल्स। प्री में पिछले सालों के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि व्हाट इज मेंट बाय माइक्रोलिथ, और फिर उसमें चार ऑप्शन दिए हुए थे। अच्छा, उसके आगे फिर माइक्रोलिथ का यूज ये लोग किस चीज में करते थे, एक तो देखिए, हाँ सॉरी, माइक्रोलिथ से हमें क्या पता चलता है, माइक्रोलिथ से ये पता चलता है कि अब जो इस टाइम के जो लोग बाग होते थे वो बिग एनिमल्स का हंटिंग नहीं करते थे, सिर्फ अब वो स्मॉल एनिमल्स का हंटिंग करते थे या फिर फिशिंग वगैरह यूज करते थे, ठीक है। इस टाइम के टूल्स का अगर एग्जाम्पल देना हो आपको तो क्या यूज करोगे, एरो हेड्स। एरो हेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोलिथ। आपको याद, जैसे आपने अगर एरो देखा होगा, एरो का मतलब होता है बाण हिंदी में, ठीक है, धनुष बाण,
तो जो पीछे की तो ये लकड़ी से बना होता था और आगे ये मट्टी के पत्थर का बना होता था, तो ये एक एग्जाम्पल है माइक्रोलिथ का। उसके अलावा एनिमल बोन्स भी मिली हैं इस टाइम के एरा की, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस टाइम पे डोमेस्टिकेशन होता था। तो जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ हर्डर का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिकेशन की मतलब वो फ्यूचर यूज के लिए भी एनिमल्स को बचा के रखते थे। आगे चलते हैं मेसोलिथिक पीरियड के, ये यहाँ पे आप टूल्स देख सकते हैं किस टाइप के टूल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से हमें इस एज के बारे में पता चलता है। और अगली कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेसोलिथिक एज जो है उसमें हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, सब्जियां जो उगाते हो ना, सब्जियां फल वगैरह जो उगाते हो, फ्लावर्स उगाते हो, तो प्रॉपर एग्रीकल्चर नहीं शुरू हुआ था। कि प्रॉपर एग्रीकल्चर में तो क्या होता है कि वीट राइस वगैरह ग्रो करने लगते हो आप, लेकिन हॉर्टिकल्चर में जैसे छोटी छोटी सब्जियां जो मतलब कम टाइम पीरियड में उग जाती हैं, तो वो देखने को उसके एविडेंस मिलते हैं, प्लस प्रिमिटिव कल्टीवेशन के भी एविडेंस मिलते हैं। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो पहले के नोमैडिक लोग थे अब वो धीरे धीरे कहीं पे सेटल होना शुरू हो गए थे। अगर एमपी में आपसे पूछा जाए कि कहां पे इसकी मेन साइट्स मिलती हैं, तो एक तो आदमगढ़ का नाम याद रखना, आदमगढ़ हिल्स कहां पे, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहां पे हमें उनके रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, रॉक शेल्टर्स का मतलब क्या हो गए, जो केव्स वगैरह होती है ना, तो वो मिलते हैं, प्लस रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, पत्थरों पे कुछ पेंटिंग बनाई हुई मिलती है, ठीक है, प्लस कुछ आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या हो गया कि कुछ यूटेंसिल्स टूल्स वगैरह। और आदमगढ़ के अलावा कुछ और साइट्स के बारे में बात करें तो एक है निमार, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, रीवा, सीहोर, उज्जैन, मंडला, छतरपुर एंड छिंदवाड़ा। यहाँ पे ये आप साइट के थ्रू मतलब यू नो ये आप मैप के थ्रू देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये आपका आदमगढ़ पड़ता है और बाकी की भी साइट्स इसी के आजू बाजू में है। नियोलिथिक एज, नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ये न्यू स्टोन एज है, ठीक है, मतलब ये और ज्यादा लेटेस्ट वाली है। मतलब सबसे पहले आई आपकी पैलियोलिथिक, फिर आई मेसोलिथिक और अब आई आपकी नियोलिथिक। नियोलिथिक के जो लोग होते थे उनको बोला जाता था फूड प्रोड्यूसर, मतलब अब धीरे धीरे सीखते सीखते लोगों ने खाना उगाना सीख लिया, मतलब वो अब क्या करने लगे, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया उन लोगों ने। और इसका अगर आपसे कोई टाइम पीरियड पूछता है तो याद रखना 6000 से लेके 4000 BC तक। और ये देखिए ये BC में है, BC का मतलब क्या होता है, जब BC वाला बिफोर क्राइस्ट वाला पीरियड है, इसमें टाइम उल्टा चलता था। और जो मतलब उल्टा का मतलब क्या हो गया कि 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, और फिर BC के बाद आता है AD, तो बीच में आ गया 0 और फिर उसके बाद 1, 2, 3 AD, इस टाइप से टाइम पीरियड चलता है, ठीक है। तो 6000 से 4000 BC वाला जो टाइम पीरियड है वो है न्यू स्टोन एज वाला पीरियड। इसमें एग्रीकल्चर शुरू हो गया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस वाली एज का। अब अगर कहीं पे एग्रीकल्चर होगा तो आपको पता है एग्रीकल्चर में 3 से 4 महीने लग जाते हैं एक फसल उगने में, ठीक है। अब अगर 3 से 4 महीने लगेंगे जो इंसान एग्रीकल्चर करेगा तो वो तो उसी जगह पे रहेगा, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस टाइम पे सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई थी। सेटल्ड लाइफ का मतलब क्या हो गया, विलेज लाइफ शुरू हो गई, ठीक है। अब अगर एक गांव बन के रहेगा, एक गांव रहेगा, तो अब गांव में क्या होगा कि डिवीजन ऑफ लेबर भी शुरू हो जाएगा, कि कुछ लोग अब क्या करेंगे, खाना उगाएंगे, तो बाकी के लोग कुछ और चीजें करेंगे, जैसे पॉटरी करना शुरू कर देंगे, कुछ लोग कपड़े बनाना शुरू कर देंगे, कुछ लोग स्मेल्टिंग वगैरह शुरू कर देंगे। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, आयरन वगैरह का काम, ठीक है ना, मतलब तो इस बेसिस पे, तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। विलेज लाइफ शुरू हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो गया, ठीक है। पॉटरी मेकिंग भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो देखने को मिलता है नियोलिथिक एज में। तो यहाँ पॉटरी से आप याद रखोगे कि पॉटरी शुरू हो गई थी। पॉटरी का यूज क्या होता था, वो इसमें या तो खाना पकाते थे या फिर स्टोर करके रखते थे। एक और चीज, क्लोथ के एविडेंस मिलते हैं, वो किस चीज के कपड़े, कॉटन या वुल के बने हुए। तो आप यहाँ ये कपड़े वाले फोटो से याद रखोगे कि क्लोथ के एविडेंसेस मिलते हैं। तो इस बार जो नियोलिथिक को क्या बोला जाता है, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का क्या मतलब है कि एकदम से इंसान के जीने में ना काफी चेंज आ जाना, तो इसीलिए इसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं तो नियोलिथिक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये आप देखिए साइट्स के बारे में, तो ये नियोलिथिक की साइट कहाँ कहाँ पे है, जैसे बुर्जा होम, ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। उसके अलावा भी ये साउथ में भी बहुत सारी साइट्स हैं। जो नियोलिथिक की साइट है वो एमपी में ज्यादा नहीं मिलती है, तो इसीलिए मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी नहीं है। तो याद रखना नियोलिथिक की साइट्स एमपी में नहीं है। और हाँ, अब अगर मार्केट की अगर बोलना चाहे तो ठीक है, बोला जा सकता है कि ये आदमगढ़ वाली जो साइट है वो एमपी में है, या जैसे ये चिरांद है, तो चिरांद भी ये एमपी में नहीं है। तो इसीलिए याद रखना कि नियोलिथिक की साइट एमपी में नहीं मिलती है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपको बताया इस टाइम पे एग्रीकल्चर होता था, तो इससे हमें ये पता चलता है अब एक बार सेटल्ड लाइफ कोई अगर शुरू कर देगा तो फिर इंसान किस चीज़ पर ध्यान देगा, अपने कम्फर्ट पर ध्यान देगा।
अपने कंफर्ट पे ध्यान देगा, लग्जरी पे ध्यान देगा, तो इसीलिए जो पॉटरी होती थी उसको और भी ज़्यादा कंफर्टेबल, मतलब लाइफ को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए डेकोरेशन ऑफ पॉटरी भी चालू हो गया था, ठीक है। तो डेकोरेटिंग देयर क्लोथ्स, पॉटरी, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। तो इसी के साथ स्टोन एज वाला पोर्शन हमारा सारा खत्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये सब कुछ एब्रीविएट कर दिया, मतलब एक ब्रीफ में बता दिया है, तो प्लीज़ आप यहाँ से कंपैरेटिवली याद करके रख सकते हो, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज। अगर आपको कन्फ्यूजन हो ये टाइम पीरियड में, तो ये इसको ऐसे याद रखना जिस ऑर्डर में मैंने आपको पढ़ाया, 2.5 लाख से 10,000 BC, फिर 10,000 से 6,000 BC और 6,000 से 4,000 BC, ठीक है। और ये थोड़ी सी डिटेल है, तो प्लीज़ आप यहाँ से देख लेना कि क्या है उनके बारे में। जैसे पैलियोलिथिक में वो हंटर और गैदर्स हुआ करते थे, और इनके जो स्टोन टूल्स होते थे वो शार्प एज वाले होते थे, प्लस इनकी जो केव आर्ट है उससे हमें उनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ यूज हुआ करते थे, प्लस थोड़ी सी कंट्रोल्ड फायर भी यूज हो गई थी। उसके अलावा नियोलिथिक में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे पॉलिश, अच्छा हाँ, नियोलिथिक के जो टूल्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, तो मैं आपको बता दूँ कि जो नियोलिथिक के टूल्स हैं वो काफ़ी पॉलिश्ड हो गए थे। तो ये एक डिफरेंस देखने को मिला था कि जो नियोलिथिक के टूल्स हैं वो काफ़ी पॉलिश्ड थे, मतलब अच्छे से उन्होंने चमका के उनको यूज़ करते थे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हम लोग, ये चालकोलिथिक एज है, चालको, ये सॉरी ये राइटिंग मिस्टेक हो गई होगी ऑटो करेक्ट के थ्रू, ये चालकोलिथिक एज है। तो चालकोलिथिक एज में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, चालको का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो यानी इसका मतलब है ये कॉपर स्टोन एज है, ठीक है। कॉपर स्टोन एज का मतलब क्या है, इसमें इस टाइम पे अब जो टूल्स वगैरह बनने लगे थे वो बनने लगे थे ब्रॉन्ज के। अब आपको पता होगा ये ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है, तो ये ब्रॉन्ज जो है कॉपर प्लस टिन को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइम के जो टूल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ब्रॉन्ज के बने हुए हैं, ठीक है। स्टोन कॉपर एज इसको बोला जाता था, ये पहला टाइम था जब इंसान ने किसी मेटल का यूज़ किया था टूल्स बनाने के लिए। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट साइट्स की, तो इसकी साइट कहाँ पे मिलती है, एमपी में, नर्मदा, चंबल, बेतवा, जबलपुर एंड बालाघाट, ठीक है। चालकोलिथिक जो कल्चर है आपको वो कहाँ कहाँ पे, ये तो ये हो गई इन जनरल जगह, और अगर इसके एविडेंसेस देखे जाए पर्टिकुलर जगह पे, तो उनके नाम है क्याथा, ईरान, महेश्वर, नगडा एंड नवाडा टोली। यहाँ मैप में आप इन सारी लोकेशंस को देख सकते हो। देखिए जितनी ज़्यादा बार आप ये मैप वगैरह को देखोगे उतने अच्छे से ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपका क्याथा, तो क्याथा में इसके एविडेंसेस मिलते हैं, नवाडा टोली, ठीक है, नवाडा टोली इसके नीचे रहा, ठीक है, और उसके अलावा क्या कहते हैं महेश्वर प्लस फिर उसके बाद नगडा एंड नवाडा टोली, ठीक है। क्या था जो साइट है इसको किसने डिस्कवर किया था, तो ये क्वेश्चन आया ऑलरेडी पूछ चुकी है, मतलब एमपीपीएससी में ये ऑलरेडी पूछ चुके हैं कि क्या था को किसने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड बाय बाकनकर, डॉक्टर बाकनकर जी आर्कियोलॉजी में बहुत बड़े, मतलब इनको पतामा समझ लो इंडिया में, इन्हीं ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया था, और इन्हीं ने ही क्या था वाले कल्चर को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया है, ठीक है। इन्होंने क्या था के अलावा नगडा जो एक और साइट है उसको भी डिस्कवर किया है। उसके अलावा जो महेश्वर वाली जगह है और नवाडा टोली है, ये किसने डिस्कवर किया है, डॉक्टर सनकालिया ने, याद रखना। आगे चलते हैं, अब ये इसके साथ हमारा पूरा स्टोन एज वाला जो एरा है वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग आते हैं जो हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, मतलब एक तरीके से वैदिक वाला पीरियड। पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं वैदिक पीरियड वगैरह में आपका होता क्या है। देखिए सबसे पहले आपका 2600 BC, अभी मैंने आपको बताया 4000 BC तक आपका था नियोलिथिक, 4000 से 2600 BC आपका चालकोलिथिक ही चल के आ रहा है। अब ये जो चालकोलिथिक कह रहा है उसी में ही हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1600 से लेके 1500 BC तक आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये कहाँ पे थी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ये आप इंडिया का मैप देख रहे हो ना, तो ये जहाँ पे इंदू नदी बहती है उसके आसपास वाले एरिया में जो सेटलमेंट था उसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये वाला एरिया। अब ये हम लोग एमपी की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है 500 या 600 BC से शुरू होता है आपका ऋग्वेदिक पीरियड, ठीक है। तो अब ये जो ऋग्वेदिक पीरियड है वो दो पीरियड में डिवाइड है, एक है अर्ली ऋग्वेदिक, मतलब एक अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड। इनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं, पर अभी जस्ट मैं अपने आप को लिमिट करता हूँ एमपी की हिस्ट्री के लिए, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। बस आप इतना याद रखना कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसको उसमें क्या कौन सा वेदा कंपोज हुआ था, उसमें हुआ था ऋग्वेदा। आपको पता होगा टोटल 4 वेदा हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेदा कंपोज हुआ था, उसके बाद लेटर वैदिक जो पीरियड है उसमें 3 और वेदास कंपोज किए गए थे। एक था आपका
सामवेद, फिर है अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। जिनको नहीं पता इन सबको, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल्चर वाले लेक्चर में बात की है, तो आप वहाँ से और डिटेल में देख सकते हैं। प्लस अगर किसी को कोई डाउट आता है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो आप लोग मुझे मेल करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें जवाब दे दूंगा, या कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी बोला जाता है, और इसमें बस ये बताया गया है कि जो विंध्यास हैं वो सदर्न बाउंड्री फॉर्म करते थे इंडो आर्यन टेरिटरी की। ये आर्यंस वगैरह क्या हैं, ये आर्यंस जो हैं ये एक तरीके से माइग्रेंट्स हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, वरना अदरवाइज जो इंडिया के जो ओरिजिनल हैबिटेंट्स हैं, जो ओरिजिनल जो लोग यहाँ पे रहते थे, वो उनको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, द्रविडियंस, ठीक है ना। और ये जो आर्यंस हैं ये ट्रेवल करके आए थे, ठीक है। तो जो अब वो लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे से आएंगे नॉर्थ वेस्टर्न वाले पोर्शन से, तो उनकी जो बाउंड्री बनाता था वो यहाँ पे नर्मदा नदी, सॉरी जो विंध्यास हैं वो उनकी सदर्न बाउंड्री बनाते थे। साउथ में पड़ता है तो आप ये देख सकते हैं सदर्न बाउंड्री बना रहे हैं। अच्छा, ये जो अली वैदिक पीरियड में के बाद जो कुछ चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये याद रखना है कि वैदिक पीरियड में डेवलपमेंट हुआ किनका, महाजनपदास का। महाजनपदा का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से किंगडम, ठीक है। तो उस टाइम पे जो वैदिक पीरियड में कितने 16 किंगडम थे, उन 16 किंगडम में से 3 जो किंगडम है वो इंडिया में, सॉरी एमपी में पाए जाते हैं। एक है अवंती, दूसरा है छेदी और तीसरा है बत्सा। ये लोकेशन आप देख सकते हो, ये हो गया अवंती, छेदी एंड बत्सा, ठीक है। और इनके बारे में हमें पता किससे चलता है, तो बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का एक एक तरीके से ग्रंथ कह लो, उसका नाम है अंगुथारा निकाया, ठीक है। तो उसमें से हमें पता चलता है कि ये 16 महाजनपदा हुआ करते थे वैदिक पीरियड में, और जिनमें से 3 एमपी में, सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। जो बुद्धिस्ट के जो काम है उनमें कुछ सिटीज के भी नाम है, जैसे कि उज्जैन, विदिशा एंड महिष्मति। अब अवंती महाजनपदा के बारे में बात कर लेते हैं, तो अवंती जो है वो मालवा रीजन में पड़ता है, ठीक है। जो उस टाइम का अवंती था, ये आज के टाइम का तुम ये समझ लो उज्जैन या महेश्वर, ठीक है। तो ये मालवा रीजन में पड़ता था। मालवा कहाँ पे हो गया, मध्य प्रदेश का जो ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट हो गया, नॉर्थ नहीं बोलिए, स्पेशली वेस्टर्न वाला जो पार्ट है वो हो गया मालवा रीजन, ठीक है। तो मालवा रीजन में ये अवंती महाजनपदा पड़ता था, और ये दो पार्ट में डिवाइड था, एक है नॉर्थ अवंती और दूसरा है साउथ अवंती, ठीक है। नॉर्थ अवंती की जो कैपिटल है वो थी उज्जैन, और साउथ अवंती की जो कैपिटल है वो है महिष्मति, ठीक है। अवंती जो है, किन किन डायनेस्टी ने अवंती पे रूल किया है, तो उनके नाम है हयाया डायनेस्टी, दूसरा है विटिहोत्रा डायनेस्टी जो कि एक ब्रांच है हयाया डायनेस्टी की, और थर्ड है प्रद्योता डायनेस्टी, ठीक है। तो इन 3 डायनेस्टियों के नाम याद रखना, एक है एच ए आई एच ए वाई ए हयाया डायनेस्टी, सेकंड इज विटिहोत्रा एंड थर्ड वन इज प्रद्योता, ठीक है। अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी आप ब्रीफ में याद रखिए, सबसे पहली बात मैंने बताया अवंती मालवा रीजन में पड़ती है, दो पार्ट में डिवाइड थी, और इस पर किन किन डायनेस्टी ने रूल किया है। प्रद्योता के अंडर में अवंती एक बहुत बड़ी मेजर पावर के तौर पे, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 16 किंगडम थे, तो जब ये प्रद्योता डायनेस्टी आई अवंती वाली जगह पे, तो ये जो अवंती है वो एक मेजर पावर के तौर पे इमर्ज हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में इस जो अवंती का किंगडम था, अवंती वाला जो महाजनपदा है, इसको कौन से वाले महाजनपदा ने वो कर लिया था, एनेक्स कर लिया था। एनेक्स का मतलब होता है एक तरीके से किसी से जीत लेना, ठीक है। तो किसने जीत लिया था, वो मगधा एम्पायर ने जीत लिया था। आप मैप में देख सकते हो, ये यहाँ पे है मगधा एम्पायर, ठीक है, बिहार वाले रीजन के आसपास, ठीक है। तो इन लोगों ने अवंती को यू नो एनेक्स कर लिया था, और वो स्पेशली उस टाइम पे मगधा एम्पायर में कौन सी डायनेस्टी थी, तो वो थी शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी याद रखना, शिशुनाग डायनेस्टी हुआ करती थी जिन्होंने एनेक्स किया था। शिशुनाग को भी ओवर थ्रो करके फिर कौन सी डायनेस्टी आ गई थी, नंदा डायनेस्टी, और नंदा के बाद आ गई थी मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। आपको याद होगा जो आप वो कहानी पढ़ते हो ना, कि क्या कहते हैं वो वाली अर्थशास्त्र, कौतल्य वाली, वो कौतल्य ये यहीं से रिलेटेड है, मतलब कौतल ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प की थी नंदास के खिलाफ जीतने के लिए, ठीक है ना। तो आप याद रखते हैं ये ऑर्डर कि सबसे पहले कौन आए, शिशुनाग आए, शिशुनाग के बाद आया नंदा डायनेस्टी, और नंदा डायनेस्टी के बाद आया मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अवंती किंगडम था उसके ऊपर हयाया डायनेस्टी ने रूल किया है, ठीक है। तो ये जो हयाया डायनेस्टी वो अर्लीस्ट रूलर हुआ करते थे कहाँ के, अवंती के। उसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी है कि अवंती जो हयाया डायनेस्टी वाले लोग थे उन्होंने अवंती को किससे जीता था, उन्होंने इसको जीता था नागास से, ऑलरेडी यहाँ पे नागास रहा करते थे, तो उनसे जीता पहले हयायास वालों ने, ठीक है। और उन्होंने अपने जो ये पूरा अवंती का किंगडम था उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जो अवंती जो हयाया डायनेस्टी है उसमें 5 क्लैंस हुआ करते थे एक तरीके से, ठीक है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्लैन था वो था विटिहोत्रा, तो बाद में इन्होंने ही अपना क्लेम, अपना स्ट्रांग होल्ड बना लिया था अवंती के किंगडम पे, ठीक है।
अब आगे चलते हैं तो उसके अलावा जो लास्ट रूलर थे विटिहोत्रा डायनेस्टी के, उसका नाम है रायपुंजिया, ठीक है, रायपुंजिया याद रखना, रायपुंजिया। तो जो रायपुंजिया जी हैं इनको भी फिर किसने हरा दिया था, इनको हरा दिया था एक उन्हीं का मिनिस्टर था, ठीक है, मिनिस्टर था जिसका नाम था पुलिका, पुलिका का बेटा है प्रद्योता, तो उसने इसको हटा दिया था और उसके बाद प्रद्योता डायनेस्टी शुरू हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ हायाया डायनेस्टी सबसे पहली, फिर उनके अंदर पांच क्लैन थे, मतलब एक तरीके से ये समझ लो पांच भाई थे होंगे, तो उन पांच भाइयों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर भाई था विटिहोत्रा, उसने फिर अपना डोमिनेंस बनाया, अपनी डायनेस्टी बनाई। फिर बाद में क्या हुआ, इन्हीं के यहाँ पे एक नौकर था, ठीक है, मिनिस्टर था, उस मिनिस्टर का बेटा था, क्या नाम है उसका, प्रद्योता। तो ठीक है, प्रद्योता ने फिर क्या किया, इनको हटा के खुद अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर ली। तो ये थी रियल स्टोरी ऑफ महेशमती। अब आगे चलते हैं प्रद्योता डायनेस्टी में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रद्योता डायनेस्टी एस्टेब्लिश हो गई है, अब इसके बारे में हमें क्या क्या पता है। तो प्रद्योता डायनेस्टी जो है, जो इनके जो किंग हैं वो कंटेम्प्ररी हैं गौतम बुद्ध के प्लस महावीरा के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध जो है वो फाउंडर है बुद्धिज्म के, और महावीरा एक तीर्थंकर हैं या फिर कह लो रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो और ये जो दोनों धर्म हैं वो एक ही टाइम पीरियड के आसपास आए थे, मतलब किस फिफ्थ बीसी के अराउंड में ये दोनों के दोनों आए थे, ठीक है। तो कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, तो जो प्रद्योता डायनेस्टी है वो समकालीन है बुद्धिज्म यानी गौतम बुद्धा जी के लिए और जैनिज्म के लिए। उसके अलावा अगर हम ये इसमें ये देखें कि इनके जो सबसे मशहूर किंग कौन से हैं, तो उनका नाम है चंद प्रद्योता महासेना, ठीक है, चंद प्रद्योता महासेना, तो ये नाम याद रखना, ठीक है। इनके जो सबसे बड़े कंटेंडर थे या राइवल थे वो था मगधन एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रद्योता डायनेस्टी को, मतलब एक तरीके से अवंती का जो किंगडम है वो किसने हड़प लिया था, वो मगध एम्पायर ने हड़प लिया था, किसके अंडर में, शिशुनाग के अंडर में। तो बस ये वही वाली कहानी चल रही है कि इनके जो सबसे बड़े राइवल हैं वो कौन है, मगधन एम्पायर, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया चंद प्रद्योता जो है उसने लड़ाई भी की है बिंबिसार से, बिंबिसार कौन है, बिंबिसार वॉज दी रूलर ऑफ मगध एम्पायर, ठीक है। तो जो चंद, अभी मैंने आपको बताया जो चंद प्रद्योता जो हैं, जो राजा थे प्रद्योता डायनेस्टी के, उन्होंने लड़ाई की है बिंबिसारा से, लेकिन फिर ऐसा बोला जाता है एज पर दी पुराने के अकाउंट्स कि बाद में ये दोनों दोस्त बन गए थे, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको जैसा कि मैंने बताया कि ये समकालीन थे महावीरा और बुद्धा के, तो जैसा कि हमें टेक्स्ट वगैरह से पता चलता है कि इन्होंने बुद्धिज्म को पेट्रोनाइज किया है। पेट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मदद पहुंचाना, पैसे वगैरह प्रोवाइड करना उनके लिए, मंदिर वगैरह बनवाना। तो प्रद्योता जी ने पेट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को, ठीक है, और जिसकी वजह से अवंती जो है वो एक तरीके से सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एक्टिविटीज़ के तौर पर डेवलप हो गया था। अब आगे चलते हैं तो, और उसके अलावा ऐसा बोला जाता है कि जो दोनों के दोनों रिलीजन है वो क्लेम करते हैं कि प्रद्योता उनके सपोर्टर थे, मतलब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं इस बात पे। और जो लास्ट सक्सेसर हैं प्रद्योता डायनेस्टी के, उसको शिशुनाग डायनेस्टी ने हरा दिया था, शिशुनाग डायनेस्टी ने डिफीट कर दिया था, और उसके बाद अवंती वॉज केम अंडर और बिकेम अ पार्ट ऑफ मगधन एम्पायर, ठीक है। तो ये प्रद्योता डायनेस्टी के बारे में। अच्छा, अब आप लोग ये मैं आपको एक बार बता दूं, प्रद्योता डायनेस्टी के ऊपर मीन्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, तो अगर इसीलिए मैंने इसको इतने डिटेल में कवर किया है, ठीक है। कौन कौन से फैक्ट आपको जो याद रखने हैं, पहली बात याद रखना है इनके फेमस राजा का नाम, फिर आपको याद रखना है फेमस राजा के बाद ये याद रखना है कि इनके जो मोस्ट सीरियस राइवल थे वो कौन है, फिर थर्ड फैक्ट आपको याद रखना है कि ये इनकी जो कंटेम्प्रेरी है वो महावीरा और बुद्धा है, ठीक है। प्लस आपको ये याद रखना है कि देवर दी पेट्रोनाइजर्स ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये चार पांच फैक्ट याद रखोगे इतना काफी है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो अवंती का किंगडम हो गया या फिर ये जो महाजनपद है वो मगधन एम्पायर की को ओवरकम कर लिया था। अब मगधन एम्पायर में भी क्या था, सबसे पहले थे शिशुनाग के बाद आए आपके क्या कहते हैं नंदा डायनेस्टी, और नंदा के बाद आया मौर्यन डायनेस्टी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शिशुनाग और नंदा डायनेस्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मौर्यन डायनेस्टी। अब मौर्यन डायनेस्टी तो आप लोगों को पता ही होगा, अशोका जैसे लीजेंडरी किंग का नाम कनेक्ट है मौर्यन एम्पायर से, तो इसीलिए। तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में क्या कहा जाता है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो मौर्यन डायनेस्टी है ये टाइम पीरियड आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हर टेक्स्ट बुक में ये अलग अलग मेंशन है। अभी जिस बुक से मैंने ये डेटा लिया है उसमें 1500 बीसी लिखा हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से ये 1500 बीसी नहीं होना चाहिए, ये जो टाइम पीरियड है वो होना चाहिए था 300 बीसी के अराउंड, ठीक है। और टू बी वेरी करेक्ट इट हैज़ टू बी अराउंड 326 बीसी, तो प्लीज़ आप इसको एक बार चेक कर लेना। तो सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी पे जो आए वो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य जी, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया अपना ये क्या कहते हैं मौर्यन एम्पायर, और
ये मौर्यन के ही टाइम पे था कि पूरा नॉर्थ इंडिया यूनिफाई हो गया था। आप जैसा कि इनका स्प्रेड देख सकते हो, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ये राजा थे, तो कितना बड़ा स्प्रेड है, ठीक है। और इसमें एमपी भी आता है आज का मॉडर्न डे। अगर इनका ऑर्डर देखें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जी थे जिन्होंने कौतल्य के साथ मिलकर नंदा एम्पायर को हटाया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनके बाद आए इनके बेटे बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर आपको कहानी पता हो तो मैं थोड़ी सी बता देता हूँ। क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य पहले तो ये राजा वाजा बन के रहे, फिर बाद में इन्होंने जैनिज्म धर्म को ज्वाइन कर लिया, मतलब ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गए थे जैनिज्म से। तो ये उनके साथ कहाँ पे आ गए थे, ये साउथ में आ गए थे। और जब वो साउथ में आए तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उनका एक कोई रिचुअल होता है जैनिज्म वालों का, जिसमें जो वो लोग होते हैं जो भी सेंट होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं मोक्ष के लिए। तो इन्होंने भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो वाला जो भी रिचुअल है, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसको शायद सांबर बोलते हैं, फिर भी आप चेक कर लेना। तो उन्होंने वो अपना लिया था और उसके बाद वो वहीं पे मर गए थे। तो ऐसा इनकी कहानी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर कौन से किंग आए, बिंदुसारा के बाद उनका बेटा आया अशोक। और अशोक के बारे में आपको पता ही है कि अशोक काल अशोक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, फिर चंड अशोक के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसके अलावा इनको धम्म अशोक भी बोला जाता है, ठीक है। ये अलग अलग फेज को रिप्रेजेंट करता है अशोका के। तो जब बिंदुसारा जी थे उस टाइम पे, जो अशोका है वो जस्ट एक गवर्नर थे, कहाँ के, उज्जैन के। उज्जैन एक सिटी थी उस टाइम पे, मौर्यनर थे। और ऐसा बोला जाता है कि जो अशोका की एक वाइफ थी जिनका नाम महादेवी था, वो विदिशा से थी, ठीक है। ये मैंने कल्चर वाले पार्ट में भी आप लोगों को बताया था। उसके अलावा जो अशोका से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ये बुद्धिज्म है, सॉरी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अशोका जी जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था बुद्धिज्म को, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे स्तूपास भी बनवाए हैं, जैसे कि एमपी में कहाँ कहाँ पे है स्तूपा, एक सांची में है, विदिशा में है, भोजपुर में है, भारूत में है। अच्छा, जिनको नहीं पता ये स्तूपा क्या होते हैं उनको बता देता हूँ। स्तूपा एक तरीके से ये माउंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, जैसे पत्थर के बना दिए जाते हैं, ठीक है, ये इस टाइप के ये होते हैं। और उसमें जो रिमेन्स होते हैं बुद्धा या फिर कोई, पहले स्टार्टिंग में तो ये 9 स्तूपा बनवाए गए थे जो बुद्धा के रिमेन्स थे, जो बुद्धा की जो राख थी ना मर जाने के बाद जो जलाते हैं, फिर जो राख होती है, तो 8 जगहों पे तो वो राख को दबाया गया है और एक जगह पे कलश को दबाया गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वर्शिप वाली जगह होती है, पिलग्रिमेज टाइप का होता है, ठीक है, बुद्धिज्म वाले लोगों के लिए। और फिर बाद में उसके बाद भी बहुत सारे स्तूपास बनवाए गए अलग अलग जगहों पे, ठीक है। साउथ में सतवाहना डायनेस्टी ने बनवाया था, और स्पेशली तो स्तूपास के लिए अशोका फेमस है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका जो क्लाइमेक्स हमें देखने को मिलता है, जो अच्छे से अच्छे स्तूपा देखने को मिलते हैं वो अशोका के ही टाइम के हैं, ठीक है। अब बाद में, पहले तो जैसे मैंने आपको बताया इनिशियली ये सिर्फ बुद्धा के लिए बनवाए जाते थे, लेकिन बाद में जो और भी बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बड़े बड़े सेंट हैं उनके लिए भी ये स्तूपास बनवाए जाने लगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो एमपी में स्तूपास हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, सांची में है, सांची का स्तूपा तो बहुत ज़्यादा फेमस है, फिर उसके अलावा विदिशा, भोजपुर और बारूत में भी है। उसके अलावा आपको एक और बात याद रखनी होगी, उस टाइम पे जो मौर्यन डायनेस्टी थी, तो मौर्यन एरा में 4 ट्रेड पासिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको वो चारों के नाम जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जो एक तीसरे नंबर का ट्रेड रूट था, जो कि प्रतिसातिन से लेके श्रवस्ती तक जो फैला हुआ था, वो वाला ट्रेड पास। ट्रेड पास का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रास्ता है जो दो रीजनों को जोड़ता है, ठीक है। तो उस रीजन से जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे वो ट्रेवल करते थे। तो ये वाला जो ट्रेड पास है जिसका नाम है प्रतिस्थान, याद रखना, प्रतिस्थान था साउथ में और श्रवस्ती था नॉर्थ में, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे आपका महेशमती और जो महेश्वर है ना, तो वहीं पे था ये श्रवस्ती नाम की जगह, और साउथ में था प्रतिस्थान। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ट्रेड रूट था वो मौर्यन एम्पायर में ही था, ठीक है। और उसके अलावा ये और किन किन जगहों, कौन कौन सी जगह पड़ती थी इस ट्रेड रूट पे, एक तो महेशमती पड़ता था, उज्जैन पड़ता था और विदिशा पड़ता था। तो प्लीज़ याद रखना कौन सा वाला ट्रेड रूट, 3rd नंबर का ट्रेड रूट, जिसका नाम है जिसका जो स्प्रेड है वो कहाँ से कहाँ तक है, प्रतिस्थान से लेके श्रवस्ती तक, ठीक है। और महेशमती अपने आप में एक कॉटन टेक्सटाइल का सेंटर के तौर पे उभर के आया था। कॉटन का मतलब होता है, आपको तो पता ही है, कपास का पेड़, कपास, और टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े, ठीक है। तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं उसके लिए महेशमती जो आज के नाम पे महेश्वर के नाम से मशहूर है, वो एक तरीके से कॉटन टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। आगे चलते हैं, मौर्यन डायनेस्टी में अशोका के कुछ एडिक्ट भी हैं। अब एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एक पत्थर का टीला टाइप का बना देंगे और उस पर कुछ शर्मन्स वगैरह लिख देते हैं, कि मतलब आपको एक तरीके से रूल्स वगैरह लिख देते हैं कि भाई इस किंगडम में आपको चोरी नहीं करनी है, इस किंगडम में चोरी करने पर ये सजा है, यहाँ पर आप किसी को मार नहीं सकते हो, तो इस तरीके का। प्लस यहाँ के
रूलर कौन है, तो ये सारी चीजों को बोला जाता है रॉक एडिक्ट। ठीक है, अभी ये एडिक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रॉक एडिक्ट और दूसरे होते हैं पिलर एडिक्ट। ठीक है, और ये जो रॉक एडिक्ट हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं माइनर रॉक एडिक्ट और दूसरे होते हैं मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो जो अशोका जी थे वो अपने अपने किंगडम में उन्होंने बहुत सारे रॉक एडिक्ट वगैरह या फिर पिलर एडिक्ट इनेक्ट करवाए थे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैप के थ्रू कि कुछ मेजर रॉक एडिक्ट हैं, फिर पिलर एडिक्ट हैं और फिर माइनर एडिक्ट हैं। ठीक है, ये दो तीन चीज़ों को दिखाते हैं, एक तो ये दिखाते हैं कि स्प्रेड क्या है किंगडम का, दूसरा ये बताते हैं जो जनता है जनता को, जनता के लिए वो एक तरीके से उपदेश होते हैं राजा के, और फिर राजा और प्रजा के बीच में एक तरीके से कनेक्शन भी बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं खानदेर में बनवाया उन्होंने। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो उनकी वेस्टर्न मोस्ट लिमिट थी वो खंदार थी। ठीक है, साउथ में ये देख रहे हो याराबुड़ी तक है, तो आप ये देख सकते हो साउथ का स्प्रेड बता रहा है। ईस्ट में रामपुरवा तक है, रामपुरवा ये बिहार में है और यहाँ पे एक कैपिटल है, कैपिटल का मतलब होता है ये मूर्ति है, बुल कैपिटल, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसके अलावा और कहाँ कहाँ पे है ये देख लो, लुम्बिनी में भी है, कौसाम्बी में है, लौरिया नंदनगढ़ में है। ठीक है, तो ये सारे आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए, सो देट अगर वो क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल कि रामपुरवा जो रॉक एडिक्ट है वो किस स्टेट में पड़ते हैं, तो एक बार को अगर मान लो आपको एग्जैक्ट भी नहीं पता हो तो आप अंदाजा देख के ना अपने रॉन्ग आंसर को हटा सकते हो कि चलो जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता, साउथ का नहीं हो सकता, वेस्ट का नहीं हो सकता, तो बचा बिहार, तो इस तरीके से। ठीक है, तो इस मैप को तीन चार बार देख लेना। अच्छा, एमपी के लिहाज से कौन कौन से ऐसे रॉक एडिक्ट हैं जो एमपी में पाए जाते हैं, एक है रूपनाथ। ठीक है, रूपनाथ कहाँ पे पड़ता है, जबलपुर में, सीहोर तहसील में। ठीक है, दूसरा है गुज्जर, गुज्जर वाला जो है वो है दतिया में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, ये दतिया की लोकेशन है, तो यहाँ पे पड़ता है आपका गुज्जर। फिर है सरोमारो, वो शहडोल रीजन में पड़ता है, और एक है पंगुरेरिया, वो सीहोर में है। ठीक है, इनमें से जो अशोका का जो नाम है वो किन किन वाले रॉक एडिक्ट पे लिखा हुआ है, एक है गुज्जर और एक है पंगुरारिया। ठीक है, पंगुर आर्या, याद रखना, गुज्जर एंड पंगुर आर्यास आर दोज टू रॉक एडिक्ट्स ऑन विच नेम ऑफ अशोका वाज यू नो इंस्क्राइब्ड। उसके अलावा जब अशोका की डेथ हो गई थी तो फिर ऐसा बोला जाता है कि जो मौर्यन डायनेस्टी है उसका डिक्लाइन हो गया था, और इसके ऊपर यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई क्या कहते हैं, वाई मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका। तो इसके कुछ रीजन तो या तो अगर प्रीलिम्स में पूछेंगे तो वो रीजन दे देंगे, आपको सही आंसर टिक करना होगा, या फिर वो मेंस में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको ये बताना होगा कि जो मौर्यन एम्पायर है इसका डिक्लाइन सिर्फ, मतलब इसके वैसे तो बहुत सारे रीजन है, उनमें से एक रीजन ये था कि जो अशोका के बाद वाले जो रूलर्स आए थे वो इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे कि वो कंसोलिडेट कर पाए इतना बड़ा एम्पायर। ठीक है, प्लस फिर और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। तो जब ये मॉडर्न एम्पायर खत्म हुआ तो उसके बाद कुछ डायनेस्टिक एम्पायर्स आ गए, मतलब छोटी छोटी डायनेस्टियों वाले, जैसे साकाज आ गए, कुशांस आ गए। ठीक है, और भी कुछ ऐसी छोटी छोटी डायनेस्टीज थी जिन्होंने रूल किया 3rd से 1st century BC। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जब ये क्या कहते हैं मौर्यन एम्पायर, जो आखिरी मौर्यन किंग थे उनके, उनको किसने मारा था, उन्हीं के एक मिनिस्टर का नाम था, वो ब्राह्मण मिनिस्टर था, जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंगा। ठीक है, तो पुष्यमित्र सिंगा ने क्या किया था कि जो आखिरी मौर्यन एम्पायर के जो वो थे रूलर थे उनको मार के खुद राजा बन गया था, और इन्हीं के सरनेम के बाद इस डायनेस्टी का नाम जाना जाता है, सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, पुष्यमित्रा सुंगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, तो याद रखना पुष्यमित्रा सुंगा। ये देख लीजिए यहाँ पे, अगर आप ये देख सकते हैं तो ये पीछे मैंने यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है सुंगा डायनेस्टी का स्प्रेड कहाँ से कहाँ तक है। तो ये पूरा जो स्प्रेड है वो है सुंगा डायनेस्टी का स्प्रेड। ठीक है, और पुष्यमित्रा सुंगा का ही बेटा है अग्निमित्रा, जिसने जो उस टाइम पे, मतलब जब पुष्यमित्रा सुंगा जी थे तो उनका जो बेटा अग्निमित्र है वो विदिशा के एक तरीके से रूलर हुआ करते थे। ये क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एमपी के बारे में, तो इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि जो अग्निमित्र थे, जो बहुत बड़े बहुत ज़्यादा वेल नोन हिस्टोरिकल किंग है, वो विदिशा के राजा थे। ठीक है, सॉरी विदिशा के गवर्नर या वाइस रॉय के तौर पर काम करते थे। ठीक है, और जब पुष्यमित्रा सिंगा जब मर गए थे तो उसके बाद उनका जो सक्सेसर था वो अग्निमित्र ही थे। उसके अलावा एक और सुंग डायनेस्टी से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड है वो ये है, कालिदास जी, उन्होंने, कालिदास जी ने अपना करियर अग्निमित्रा के कोर्ट से ही शुरू किया था, और बाद में आपको पता होगा कालिदास जी जो कोर्ट पोएट थे, गुप्ता एम्पायर में कोर्ट पोएट बन गए थे वो, और उनको नवरत्ना की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है ना, और जो कालिदास जी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये अग्निमित्रा के कोर्ट में बैठते थे, तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये अग्निमित्र से याद रखना, अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम कालिदास जी। अच्छा, उसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया शुंगास जो है वो ब्राह्मण हुआ करते थे, तो ये ब्राह्मण रिलीजन के फॉलोअर हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण।
ठीक है, ये ब्राह्मण रिलीजन लिखा हुआ है, तो ये ब्राह्मण रिलीजन के वो थे, फॉलोअर थे। उसके अलावा इन लोगों ने काफ़ी स्तूपास का प्रमोशन भी किया, मतलब ऐसा नहीं था कि भले ही ये ब्राह्मण थे लेकिन इन्होंने स्तूपास भी बनवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया सांची और बारहूत में, ये टी है यहाँ पे। उसके अलावा सुंगा डायनेस्टी के टाइम पे, जब सुंगा डायनेस्टी के किंग थे भागभद्रा, तो एक ग्रीक एम्बेसडर भी आया था, ये बात बस याद रखना, हु एट व्हाट टाइम ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड, तो ड्यूरिंग द कोर्ट ऑफ भागभद्र। उसके अलावा जो भाग, ये क्या है, ये भगवत रिलीजन से इतने ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे कि इन लोगों ने एक गरुड़ पिलर बनाया था विदिशा में। तो अगर आपसे कोई पूछता है गरुड़ पिलर कहाँ पे है, तो वो विदिशा में है। किस रिलीजन से एसोसिएटेड है, तो वो भगवत से है। और किस डायनेस्टी ने बनवाया था, तो सुंग डायनेस्टी ने बनवाया था। उसके अलावा सुंग डायनेस्टी की वैसे तो कैपिटल पाटलिपुत्रा थी, पाटलिपुत्रा आज के ज़माने का पटना है, तो पटना उनकी कैपिटल थी, लेकिन उसके साथ साथ विदिशा भी उनकी कैपिटल थी। तो ये दोनों नाम याद रखना। यहाँ पे आप यू नो थोड़ा सा इनके बारे में मैंने ब्रीफ समरी दे दी है, जहाँ से आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। तो सुंगा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था, जैसा कि मैंने बताया, पुष्यमित्र सुंगा ने, और इनकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र और फिर बाद में विदिशा हो गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम, उज्जैन, मथुरा, साकेत, सांची, कपिलवस्तु। रूलर्स के नाम देखे जाएं तो पुष्यमित्र सुंगा, अग्निमित्रा, वासुमित्रा और उसके अलावा देवभूति, ठीक है। उसके बाद जो अंदर की फर्दर डिटेल है उसको जानना इतना जरूरी नहीं है, आगे चलते हैं। फिर जैसे कि मैंने बताया कि ये सुंगा डायनेस्टी और उसके अलावा भी बहुत सारी डायनेस्टीज आ गई थी, जैसे कि बक्टेरियन डायनेस्टी, साकास एंड कुशनास, ठीक है। बक्टेरिया कहाँ पे है, तो ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, ये तो हो गई आपकी कुशन डायनेस्टी, ये बक्टेरिया यहाँ पे हो गया, ईरान के आसपास वाला एरिया। और उसके अलावा मैंने आपको और कौन सी बताई, साका डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जो है वो साका वाली डायनेस्टी का रीजन है। इनके बारे में, ये इंडिया में थी या नहीं थी, इनका कैसे पता चलता है, जैसे कि आपको मैंने बताया स्टोन एज में हमें पता चलता है टूल्स के द्वारा, तो इन डायनेस्टी के बारे में हमें पता चलता है कॉइन्स के द्वारा। उस इनके एरा के हमें बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, बक्टेरियन, साका और कुशान सेरा के, ठीक है। आपको पता होगा कुशान, ये जो मिनेंदर जो है कॉइन, ये कहाँ पे मिलते हैं, बालाघाट में मिलते हैं, ठीक है। साका रूलर एक थे नेफान, ठीक है, नेफान जो साका रूलर है नेफान, उनके कॉइन मिलते हैं कहाँ से, शिवपुरी से। ये सारी एमपी की जगह है इसलिए, और ये एमपी के लिए लेक्चर है इसलिए मैं बस सिर्फ एमपी से रिलेटेड फैक्ट आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज तो इनकी हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने लायक, ठीक है। तो जो नेफान है, जो साका रूलर है, उनके कॉइन्स मिलते हैं शिवपुरी से। उसके अलावा कुशान के एक किंग है कुजुल कदाफिस, क्या नाम है, कुजुल कदाफिस, और इनके कॉइन्स मिलते हैं विदिशा से, ठीक है। तो कुशान के किंग मिलते हैं विदिशा से, केवी से याद रखना, केंद्रीय विद्यालय से, कुशान के हो गए विदिशा से। फिर नेफान के मिलते हैं शिवपुरी से, ठीक है, नेफान के शिवपुरी से मिलते हैं, और मनिंदर के बालाघाट से मिलते हैं। आपको मुझे दो तीन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहली बात, मनिंद्र से रिलेटेड एक एक डायलॉग है, जो मनिंद्र और क्या कहते हैं बुद्धिज्म जो एक सेंट थे नागार्जुन, उनके बीच में डायलॉग हुआ था, उसका क्या नाम है, बहुत ज़्यादा मशहूर नाम है, आपको मुझे बताना है। मनिंद्र और क्या कहते हैं बुद्धिज्म जो सेंट है नागार्जुन, उनके बीच में एक डायलॉग हुआ था, ठीक है, उस किताब का या उस डायलॉग का क्या नाम है। दूसरी बात आपको याद मुझे बतानी है, कुशान के ऐसे कौन से किंग हैं जो कश्मीर में थे और जिनके टाइम पे फोर्थ फोर्थ काउंसिल, बुद्धिस्ट की काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई थी, वो उन वाले किंग का नाम बताना है, ठीक है। हु वॉज द किंग ऑफ कुशान एम्पायर हु ऑर्गेनाइज द फोर्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चंस आप मुझे बताओगे, एक तो ये वाला मिनेंद्र वाला और दूसरा कुशान वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, साकास वर नोन फॉर दी शत्रप सिस्टम। ये शत्रप सिस्टम में क्या होता है, एक तरीके से जैसे आपका बहुत बड़ा एरिया है तो उसमें आप अपने एरिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हो और एक एक रूलर के अंडर में वो चला जाता है, मतलब एक छोटे छोटे सब रूलर यानी सब स्टेट्स टाइप का कह लो, उनके पास चला जाता है, और उसके रिटर्न में वो जो किंग है, किंग को आर्मी वगैरह सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और ये लोग एक तरीके से उस जगह से जागीर वगैरह कलेक्ट करते थे। तो ये इन लोगों ने शत्रप सिस्टम चालू किया था। उज्जैन के जो शत्रपी हैं वो कौन सी, उस उज्जैन वाली जगह पे कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, उसका नाम है करधामक डायनेस्टी, ठीक है। तो उज्जैन में कौन सी डायनेस्टी थी, करधामक डायनेस्टी थी। और साका रूलर्स में अगर सबसे ज़्यादा दमदार पावरफुल जो रूलर था उसका नाम है रुद्र दमन, याद रखना। अगर ये पूछा जाता है रुद्र दमन बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, तो आपको आंसर पता होना चाहिए साकास, ठीक है।
उसके अलावा इनके जो सक्सेसर थे वो क्या कहते हैं रुद्र दमन के, उनका नाम है रुद्रसेन, और इनको मार के आ गए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से जब इसको सत्रप सिस्टम वाले जो ये करधामक डायनेस्टी है जब इसको हटाया तो फिर कौन सी डायनेस्टी आ गई आपकी, गुप्ता डायनेस्टी आ गई, ठीक है। और यहाँ से शुरू होता है गुप्ता एम्पायर का रूल। और उज्जैन गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, या इनफैक्ट ये जो साकास कुशांस वगैरह थे उस टाइम पे, जो उज्जैन है वो एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर के तौर पर उभर गया था, आपको पता है, क्योंकि थर्ड ट्रेड रूट भी यहीं से पास होता है, ठीक है। और ये जो ट्रेड रूट है वो इसके बारे में बताया कि ये गंगा प्लेन से लेके अरेबियन सी तक फैला हुआ था, और ये जो उज्जैन है वो एक हिंदू और बुद्धिस्ट सेंटर के तौर पे डेवलप हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। की टेक अवेज क्या है इस वाली पावर पॉइंट से, वो याद रखना जो इस वाली स्लाइड है, इसमें आपको एक तो ये याद रखना है कॉइंस कहाँ कहाँ पे मिले थे, सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि रुद्र दमन जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और उज्जैन के ऊपर कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया हुआ है। उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि साकास को हटा के कौन सी डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक बार साकास को हटा के, यानी करधामक डायनेस्टी को हटा के गुप्ता डायनेस्टी आई, तो अब गुप्ता डायनेस्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहली बात, 4th century AD में एक बार फिर से अवंती या मालवा एक बार फिर से एक पावरफुल किंगडम के तौर पर उभरा अंडर गुप्ता, ठीक है। और गुप्ता एज को इंडिया की गोल्डन एज या क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला भी क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है कि वाई गुप्ता एज इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ इंडिया या फिर क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। चलिए मैं ही बता देता हूँ इसका जवाब। इसका जवाब ये है, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात, और जिनको नहीं आया उनके लिए ये है आंसर कि इंडिया को, इंडिया की गोल्डन एज ड्यूरिंग गुप्ता एम्पायर क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि इनके टाइम पे एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। दूसरा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आर्किटेक्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किए गए इन किंग्स के द्वारा। सेकेंड ऑफ ऑल, स्कल्पचर की फील्ड में भी सारनाथ जो स्कूल है, सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर, वो डेवलप हुआ। उसके अलावा लिटरेचर में काफ़ी काम हुआ, ठीक है, जैसे कालिदास वगैरह हो गए, और भी बहुत सारे बारा मीरा आर्यभट्टा, तो इस टाइप के बहुत सारे लिटरेरी पर्सन भी इन्हीं की एज के टाइम पे आए थे, ठीक है। म्यूजिक वगैरह की फील्ड में भी, तो इसीलिए इतने सारे डायमेंशंस रिलेटेड है ना गुप्ता एज से कि इनको गोल्डन एज बोला जाता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया चंद्रगुप्ता टू या जो विक्रमादित्य हैं उन्होंने हराया था साकास ऑफ उज्जैन को, और फिर मालवा को कॉन्कर किया था, उन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बना लिया था, और क्या कहते हैं वो पेट्रोनेज देते थे नवरत्न को। नवरत्न कौन है? वो सारे पर्सन ऑफ एक्सीलेंस जिन्होंने अपनी किसी फील्ड में महारत हासिल कर रखी है, जैसे कि कालिदास जी जिन्होंने लिटरेचर में कर रखी थी, ठीक है। अकबर के टाइम पे कौन से ऐसे म्यूजिशियन थे जो एमपी से बिलोंग करते हैं और नवरत्न थे, ये आपको मैं कल्चर में बता चुका हूं, इसका भी जवाब आप मुझे देना, ठीक है। उसके अलावा गुप्ता डायनेस्टी की जो प्रेजेंस है, जो मार्क है, वो हमें किसके द्वारा पता चलता है? रॉक कट टेम्पल्स जो कि बाग केव्स में बने हुए हैं, ठीक है। रॉक कट टेम्पल्स जो बाग केव में बने हुए हैं वो हमें गुप्ता डायनेस्टी की प्रेजेंस के बारे में बताते हैं। गुप्ता एम्पायर जब कोलैप्स हुआ था तो वो क्यों कोलैप्स हुआ था? ड्यू टू दी अटैक्स ऑफ वाइट हुंस। वाइट हुंस एक तरीके से ये चाइना वगैरह की तरफ पे एक ट्राइब हुआ करती थी, तो उनके अटैक की वजह से जो गुप्ता एम्पायर है वो कोलैप्स हो गया था, मतलब टूट गया था। ये गुप्ता एम्पायर का एक छोटा सा मैंने ब्रीफ इंक्लूड किया है, तो आप यहाँ से इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम, रिलीजन उस टाइम पे कैसा था, साइंस एंड टेक की फील्ड में उन लोगों ने क्या करवाया है, प्लस फिलोसफी की फील्ड में क्या करवाया है, ठीक है। तो जैसे 6 फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, न्याय, वैशेषिका, सांख्य है, योगा, मीमांसा, वेदांता, ये सारे इवॉल्व हुए थे। प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में आर्यभट्टा और बारा मीरा जैसे लोगों ने बहुत काम किए हैं। रिलीजन की फील्ड में हिंदू, वैसे तो जो गुप्ता रिलीजन, गुप्ता डायनेस्टी के लोग थे वो हिंदुज्म को प्रमोट करते थे, पर वो टॉलरेंस दिखाते थे बाकी और रिलीजन जैसे बुद्धिज्म या जैनिज्म, है ना। फिर भक्ति ट्रेडिशन काफ़ी प्रमोट किया, फीमेल डाइटीज की वर्शिप शुरू की। तो ये सारे फैक्ट हैं, ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। प्लस टैक्स स्ट्रक्चर में किन किन चीज़ों का क्या नाम है, बाली किस चीज़ को बोलते हैं, भाग किस चीज़ को बोलते हैं, भोग किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे देख लेना, इनमें से वैसे तो क्वेश्चन इतने ज़्यादा आने की चांसेस नहीं है, बट फिर भी फॉर दी सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने इनको इंक्लूड कर लिया, आप इनको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर समाप्त होता है। जो भी मैंने डेटा इंक्लूड किया है दोस्तों वो इन बुकों से रेफर करके किया। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट आता है तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, प्लस आप अपनी एडिशनल नॉलेज के लिए भी इन बुक्स को पढ़ सकते हैं।
अगर आपको कोई क्वेरी आती है इस लेक्चर के रिलेशन में या फिर आपकी प्रिपरेशन के रिलेशन में कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे street01990@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं और क्या चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, सो दैट आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा इनरिच हो सके। प्लस आप अगर मेरे वीडियो वगैरह को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, सी यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन अलविदा, बाय बाय।